हाय फ्रेंड्स, हर किसी की किस्मत में अच्छी नौकरी नहीं होती, और जिनकी किस्मत में अच्छी नौकरी होती है तो ज़रूरी नहीं है उस अच्छी नौकरी में बॉस भी अच्छा हो। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू डील विद अ डिफ़िकल्ट बॉस। सो मैं आपको 3 पावरफुल पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगा कि आप अपने अड़ियल बॉस को किस तरह से डील कर सकते हैं बिना अपना बीपी बढ़ाए। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियोस आपके पास सबसे जल्दी पहुंचे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, ट्रीट योर बॉस लाइक अ चाइल्ड। अब आप इसको लिटरली मत ले लीजिएगा, बट अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो ये कुछ इस तरह से है कि आप मानो या ना मानो, बट हर किसी के अंदर एक बच्चा ज़रूर छुपा होता है। आपको उसे पहचानना है और उसका ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आपका बॉस किसी भी बात पर अड़ जाए तो उसको रेजिस्ट ना करें और वही करें जो वो आपसे करवाना चाहता हो, भले ही वो चीज़ गलत हो। अगर वो चीज़ गलत है तो आप अपने बॉस को एक बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दें, बट अगर वो फिर भी वही करवाना चाहता हो तो वही करें, क्योंकि अगर वो चीज़ गलत हुई तो वो समय के साथ उसका रिजल्ट भी आपके बॉस के सामने आ जाएगा। और अगर वो चीज़ बाय चांस सही हुई तो उसका क्रेडिट आपको मिल सकता है, क्योंकि आपने अपने बॉस का कहना माना बिना उनको रेजिस्ट करे। सेकेंड, ओनली रिकमेंड व्हेन यू आर बीइंग आस्क्ड। जब भी टीम मीटिंग हो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले ना दें और सबसे बाद में भी ना दें। तो इसका मतलब है मीटिंग के बीच में दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपना वैल्यूएबल पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल शेयर ना करें किसी भी मीटिंग में। आप तभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें जब आपका बॉस आपसे खुद पूछे कि आपकी क्या राय है। इससे आपके बॉस के नज़रों में आपके लिए क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि ये क्या सोचता है, और आपको दूसरों से अलग होने का मौका मिलेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 70% टीम मीटिंग में वही डिसाइड होता है जो आपका बॉस और टॉप मैनेजमेंट ने पहले से ही सोच रखा होता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू तभी शेयर करें जब आपसे अलग से पूछा जाए। थर्ड, माइंड योर ओन बिजनेस। सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखें। इसका मतलब अपने काम में प्रोएक्टिव रहें, कोई भी पेंडिंग काम ना छोड़ें, क्योंकि अगर आपका बॉस गलतियां निकालने में माहिर हुआ तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो अपने बॉस को कोई भी चांस ना दें गलतियां निकालने में। और हाँ, अगर आपको बॉस से सैलरी बढ़वानी हो तो क्या बोलें, उसके लिए आप आई बटन को क्लिक कर सकते हैं, जिसमें मैंने पावरफुल टिप्स बताए हैं सैलरी बढ़वाने के लिए। ये थे मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स, बट नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि और कौन से पॉइंट्स से आप डिफ़िकल्ट बॉस को हैंडल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्शियस इंजीनियरिंग।